हेलो स्टूडेंट्स, सुनील रोहिला यूट्यूब लाइव क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। सभी स्टूडेंट लाइव क्लास से जुड़ें। फिर आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे। कुलदीप सुमित, सभी स्टूडेंट को गुड इवनिंग। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हमारा सेकंड लेक्चर है आज कैलकुलेशन ऑफ गुडविल का। मोस्ट इम्पोर्टेंट और वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है गुडविल। ठीक है, पूरा कंसेप्ट हम आज देखेंगे। इसका कंसेप्ट बेस्ड स्टडी करेंगे बेटा। और मैंने कल भी आपको बताया था कि जो गुडविल है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चाहे वो हमारा प्लस टू क्लास का एग्ज़ाम ले लें, चाहे हम ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम ले लें, और चाहे हम CA CS या फिर कोई भी कॉमर्स का कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है, हर एग्ज़ाम में गुडविल के क्वेश्चन हैं, वो 100% मिलते हैं। और एक बेसिक बात ये है कि इसका जो कंसेप्ट है वो पूरा वाइडली आपको बताया जाएगा, चाहे वो किसी भी क्लास का बच्चा है, चाहे वो CA का है, CS, BCom, प्लस टू, सभी के लिए जो ये टॉपिक है बड़े अच्छे ढंग से करवाया जाएगा। तो सभी बच्चे कनेक्ट हो जाएं जल्दी से। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं बेटा। ये जो टॉपिक है बेटा, आप देख पा रहे हो, ये टॉपिक मैंने आपको कल बताया था। एक बार 2 मिनट के लिए मैं इसको रिवाइज करता हूं ताकि आज का जो टॉपिक है वो समझने में आपको कोई दिक्कत ना आए। क्लैरिटी बताइए, ठीक आ रही है क्या? जो लिखा हुआ है क्या आप अच्छे ढंग से समझ पा रहे हैं बेटा? जल्दी से बताइए, फिर हम क्लास स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे बताएं, सभी बच्चे इन्वॉल्व हों क्लास में। चलो ठीक है बेटा। तो कल हमने डिस्कशन किया था कि गुडविल है क्या। तो गुडविल रेपुटेशन, जो आज फर्स्ट टाइम मेरी क्लास देख रहे हैं वो बच्चे, मेरी प्रीवियस जो वीडियो है गुडविल के रिगार्डिंग, या फिर हमने प्रीवियस वीडियोज के अंदर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का टॉपिक है वो पूरा डिस्कस कर लिया है। अब हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारा नेक्स्ट चैप्टर, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। ये चैप्टर चल रहा है बेटा, और इस चैप्टर में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारा सेकंड जो टॉपिक है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का। तो गुडविल का कल हमने इंट्रोडक्शन बताया कि गुडविल है क्या, कैसी ये जनरेट होती है। तो कल हमने डिस्कस कर लिया था कि गुडविल के बारे में, कस्टमर्स के टाइप मैंने बताए थे, और फिर यहाँ मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल के बारे में मैंने बताया था। कल मैंने बता दिया बेटा लास्ट वीडियो में, एक बात थोड़ा सा देख लेते हैं। मेथड्स फॉर कैलकुलेटिंग गुडविल, यहाँ गुडविल की कैलकुलेशन आपको करनी है। तो मैंने आपको बताया बेटा कि यहाँ 5 मेथड्स हैं गुडविल को कैलकुलेट करने के। एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड, परचेज कंसिडरेशन मेथड और एनुटी मेथड। ठीक है, आज की जो हमारी वीडियो रहेगी वो रहेगी एवरेज प्रॉफिट मेथड के रिगार्डिंग बेटा। तो हम स्टार्ट करते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड। हाँ जी, बहुत सारी बातें बतानी हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड के बारे में। तो आप देखिएगा विद एग्जांपल जो है हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बेटा आज हमारा टॉपिक है वो है एवरेज प्रॉफिट मेथड।
एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, कल हमने डिस्कस किया था कि कल वाला एग्जांपल लेता हूं ताकि जो बच्चे कल वाली वीडियो देखेंगे फिर ये आज वाली जो वीडियो देखेंगे वो सभी को समझ में आ जाएगा, जो बच्चे आज फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं। देखो, कल मैंने बताया था बेटा कि एक कंपनी है नोकिया, ठीक है, और नोकिया कंपनी को परचेज कर लिया गया बाय माइक्रोसॉफ्ट। नोकिया कंपनी को परचेज कर लिया गया बेटा माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा, ठीक है। तो यहां गुडविल कैलकुलेट जो होगी वो किसकी होगी? नोकिया कंपनी की होगी बेटा, ठीक है, क्योंकि नोकिया कंपनी इसको बिजनेस सेल कर रहा है। तो पेमेंट कौन किसको करेगा? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी पेमेंट करेगी नोकिया कंपनी को, खरीदने वाली माइक्रोसॉफ्ट है, ठीक है। अब देखो, अब आगे चेक करते हैं कि यहां जो एक्सेस अमाउंट, कल आपने बताया था कि जो एक्स्ट्रा वैल्यू जो ली जाएगी उसको हम जी गुडविल कहेंगे। तो मैं आज कैलकुलेट करता हूं एवरेज प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंग कि जो कंपनी है उसके रेपुटेशन का, उसके गुडविल का कन्फर्मेशन हमें किससे मिलता है बेटा? उस कंपनी को हो रहे प्रॉफिट से, ठीक है। नोकिया कंपनी जो है उसको बेटा हर साल प्रॉफिट हैं वो मैक्सिमम लेवल के हो रहे हैं, अच्छे लेवल के हो रहे हैं। तो हम क्या कहते हैं कि नोकिया कंपनी की रेपुटेशन है वो अच्छी है, क्योंकि जिस कंपनी की रेपुटेशन अच्छी होती है उस कंपनी के प्रॉफिट भी ज्यादा होंगे, ठीक है। चलो अब देखो, मेनली क्या निकल के आया यहां कि गुडविल डिपेंड्स ऑन प्रॉफिट्स, कि गुडविल है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? प्रॉफिट। जिस कंपनी के प्रॉफिट ज्यादा हो रहे हैं तो हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि उस कंपनी के जो प्रॉफिट हैं वो ज्यादा हो रहे हैं, ठीक है। अब आगे डिस्कस करता हूं। हाँ जी, एवरेज प्रॉफिट जो है वो कैलकुलेट कैसे करते हैं बेटा? एवरेज प्रॉफिट है वो कैलकुलेट कैसे करते हैं, ध्यान से देखिएगा। एवरेज प्रॉफिट जो है वो कैसे कैलकुलेट किया जाए? तो यहां दो कैटेगरी बना दी बेटा एवरेज प्रॉफिट की। कुछ बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि क्लियर नहीं है, क्या क्लियर नहीं है बेटा? जल्दी से बताएं एक बार, अब क्लियर समझ में आ रहा है? देखो लिखा हुआ, अब क्लियर समझ में आ रहा है बेटा? ध्यान से देखिए, जल्दी बताइए मेरे को। एक मिनट, मैं इसको एडजस्ट कर रहा हूँ बेटा, एक मिनट रुकिएगा। अब बताइए, चलो मैं थोड़े बड़े अक्षर लिखूंगा अब मैं। हाँ जी, थोड़े से बड़े अक्षर लिखूंगा बेटा, क्लियर लिखने की कोशिश करूंगा। एवरेज प्रॉफिट है बेटा उसके अकॉर्डिंग अगर हम गुडविल कैलकुलेट करें तो एवरेज प्रॉफिट को बेटा टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया कि दो तरीके से हम एवरेज प्रॉफिट है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हाउ मेनी टाइप्स वी कैलकुलेट
एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। तो टू टाइप है बेटा, एक तो है सिंपल एवरेज प्रॉफिट, मैं शॉर्टकट फॉर्म में लिख रहा हूं बेटा, आपको नहीं लिखना, सिंपल एवरेज प्रॉफिट, और एक है बेटा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। बहुत ध्यान से देखने वाली बात है बेटा, सिंपल एवरेज प्रॉफिट जो मेथड है उसके अकॉर्डिंग हम गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखते हैं। ध्यान से देखिएगा कि वैल्यू ऑफ गुडविल, गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं ना, कि सिंपल मेथड के अकॉर्डिंग मैं गुडविल कैलकुलेट करूं, तो मेथड है बेटा हमारा कि एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। वैल्यू ऑफ गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। बेटा मैंने नंबर ऑफ ईयर परचेज के बारे में कल आपको बता दिया था कि ये क्या है, ठीक है। बेटा मेरे को एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है क्योंकि मेरे को गुडविल कैलकुलेट करते टाइम एवरेज प्रॉफिट की रिक्वायरमेंट है, यहां एवरेज प्रॉफिट की जरूरत पड़ेगी। तो ये कैलकुलेट कैसे करें, ध्यान से देखिएगा, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहा हूं बेटा, ध्यान से देखिए, टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन मिलेगा प्रॉफिट प्रीवियस ईयर्स के, हो सकता है वो 3 साल के गिवन हो सकता है 4 साल के गिवन हो, 5 साल के गिवन हो, जितने भी साल के वो प्रॉफिट गिवन है बेटा उन प्रॉफिट्स को हम टोटल कर लेंगे, ठीक है, और डिवाइड क्या करेंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है। तो उससे हमारे पास क्या आएगा एवरेज प्रॉफिट। मैं यहां एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताऊंगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। जियो कंपनी सुना बेटा आपने, जियो सभी यूज कर रहे हैं आजकल, जियो कंपनी परचेज्ड आइडियाज कंपनी, जियो कंपनी ने आइडिया कंपनी के बिजनेस को परचेज किया, तो यहां सेल कौन सी कंपनी हुई बेटा, आइडिया कंपनी, ठीक है। तो यहां गुडविल कौन सी कंपनी की क्रिएट होगी, गुडविल कौन सी कंपनी की हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी, जियो कंपनी की या फिर आइडिया कंपनी की, एक बार आप मेरे को बताएं कि यहां गुडविल कौन सी कंपनी की क्रिएट हो बेटा, जियो कंपनी या फिर आइडिया कंपनी। बहुत सारे बीच में कमेंट्स आ रहे हैं बच्चों के, मैं सभी रीड कर रहा हूं। हाँ जी देखते हैं, आइडिया कंपनी बहुत बढ़िया। हाँ आइडिया कंपनी की गुडविल हमें कैलकुलेट करनी है बेटा, चलो कैलकुलेट कर लेते हैं। आइडिया कंपनी और जियो कंपनी दोनों मिलकर डिसाइड करती हैं कि गुडविल जो हमें कैलकुलेट करनी है उसमें हम कौन सा मेथड लगाएं, सिंपल लगाएं या वेटेड लगाएं या सुपर प्रॉफिट लगाएं या कैपिटलाइजेशन मेथड लगाएं, मतलब दोनों कंपनियां जिस पॉइंट पे एग्री होंगी वो मेथड ही अप्लीकेबल होगा, नंबर वन बात। दूसरी बात बेटा, अब आइडिया कंपनी को प्रॉफिट हो रहे हैं, मैं अज्यूम करता हूं कि 2016 में प्रॉफिट हुए 50,000, एग्जांपल के साथ समझेंगे इसको, 2017 में प्रॉफिट हुए 30,000 और 2018 में प्रॉफिट हुए 19,000, ठीक है बेटा।
तो 3 ईयर्स के हमें प्रॉफिट गिवन है। देखो एक बार 50,000 प्रॉफिट, अगले साल हमें 30,000 प्रॉफिट, अगले साल हमें 90,000 प्रॉफिट, ठीक है। अब देखो ये कंपनी जियो कंपनी क्या चेक कर रही है कि आइडिया कंपनी की क्या रेपुटेशन है, कि जिसकी वजह से जियो कंपनी के पास जब ओनरशिप आएगी, जियो कंपनी जब इस आइडिया कंपनी को खरीदेगा तो कितने प्रॉफिट होंगे। ऐसे तो कह नहीं सकते भाई आइडिया कंपनी ने जियो कंपनी ने आइडिया कंपनी को खरीदा तो पहले ही साल 50,000 रुपये प्रॉफिट हो जाएगा, नहीं कह सकते, ठीक है। हो सकता है 30,000 रुपये प्रॉफिट हो जाए, हो सकता है 2,000 रुपये, हो सकता है लॉस हो जाए, ठीक है ना। इसलिए हमें यहाँ एवरेज प्रॉफिट देखना पड़ेगा कि ऑन एन एवरेज कितना प्रॉफिट होगा। तो इसका बेटा एवरेज प्रॉफिट मेरे को कैलकुलेट करना है तो सिंपल है। देखो एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने का मेथड क्या है, टोटल प्रॉफिट, और यहां हमें प्रॉफिट्स गिवन है तो इन प्रॉफिट्स को अगर मैं टोटल कर लूं, इनको अगर मैं टोटल कर लूं तो मेरे पास ऊपर वाली टर्म आ जाएगी टोटल प्रॉफिट वाली, एग्री है ना। देखो 50,000 प्लस 30,000, 50, 30, 80 और 90, 99,000। देखो बेटा ये टर्म आ गया आपके पास टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट कितना आया 99,000 डिवाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स कि ये जो टोटल प्रॉफिट है ये कितने इयर्स का है। तो कितने इयर्स का है, 1, 2 एंड 3, ये 3 इयर्स का है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ऑन एन एवरेज इस कंपनी को एवरेज प्रॉफिट कितना हो रहा है बेटा, 33,000 हो रहा है। क्लियर है, क्लियर बेटा। मेरे को क्या कैलकुलेट करना है, गुडविल। अब देखो गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करें तो क्या रखें, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट मैंने कैलकुलेट कर लिया 33,000, ठीक है 33,000 इनटू में मेरे को क्या लेना, नंबर ऑफ ईयर परचेज, ये आपको क्वेश्चन में गिवन मिलेगा। मैं यहां एज्यूम करके चलता हूं कि 2 ईयर परचेज है, तो फर्म की जो गुडविल आई, रेपुटेशन आई, वो कितने आई बेटा, 66,000 रुपीज की। इसका मीन क्या हुआ, ये जो आइडिया कंपनी है ये जियो कंपनी को जितने रुपए की एसेट्स देगी, ये कंपनी आइडिया कंपनी, ध्यान से सुनिएगा दोबारा बता रहा हूं कि आइडिया कंपनी जितने रुपए की एसेट्स देगी, मैं ऐसा अज्यूम करता हूं कि आइडिया कंपनी ने 10 लाख रुपए की एसेट्स टेक ओवर कर दी जियो को, मान लो जियो ने इसको खरीदा है तो एसेट्स इसके पास आ जाएंगे ना, एग्री है ना बेटा। तो 10 लाख रुपीज की जो एसेट्स हैं वो किसके पास चली गई, जियो। और प्लस ये कर रहा है कि सर 66,000 मेरी गुडविल के भी आपको पे करना है, मतलब जियो कंपनी टोटल कितनी पेमेंट करेगी भाई आइडिया कंपनी को, 10,66,000, जिसमें से 10 लाख रुपीज की तो बेटा जियो कंपनी के पास एसेट्स आ गई और 66,000 है वो इसकी रेपुटेशन के लिए, इसने जो कैट टाइप, कल मैंने बताया ना कैट टाइप के कस्टमर, बिल्ली टाइप के जो हमारे ग्राहक होते हैं, ठीक है। अब आप ये देख लेना कि जो प्रीवियस वीडियो है उसमें कैट टाइप के जो कस्टमर हैं वो कौन से होते हैं, वो प्रीवियस वीडियो चेक कीजिएगा बेटा। तो जो कैट टाइप के कस्टमर इसने बनाए हैं उस चीज के इसने 66,000 रुपीज लिए हैं, क्या एग्री है सभी स्टूडेंट, जल्दी से बताइए, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। रामनिवास, यस सर, कुलदीप, मंजू, महेश, ईश्वर, कोमल, बहुत बढ़िया, चलो बेटा डिस्कस करते हैं। अब एक छोटा सा मेरे को डाउट आ रहा है, मेरी छोटी सी प्रॉब्लम है और मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग मिलकर वो प्रॉब्लम है मेरी सॉल्व करें, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ कि मेरी प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम बता रहा हूँ और आप एज ए अकाउंटेंट उसको समझ के मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कीजिएगा, ठीक है। हाँ बेटा सोचिएगा, तो शुरू करता हूँ बेटा। अभी मैंने 2 मिनट पहले आपको बताया कि जियो कंपनी और आइडिया कंपनी दोनों कंपनी मिलकर फिर गुडविल कैलकुलेट करते हैं, दोनों कंपनियां मिलकर भाई प्रॉफिट एवरेज होगा, सुपर होगा, कैपिटल दोनों मिलकर करते हैं, जिस वैल्यू पे एग्री होते हैं वो मेथड ही लगा देते हैं, ठीक है भाई, ओके। अब देखो
2016 में 50,000 प्रॉफिट हुआ, किसने बताया? आइडिया कंपनी ने, क्योंकि आइडिया कंपनी का प्रॉफिट है। 2017 में कितना प्रॉफिट हुआ? 30,000, किसने बताया? आइडिया कंपनी। 2018 में 19,000 प्रॉफिट हुआ, किसने बताया? आइडिया कंपनी ने, ठीक है। तो क्या जियो कंपनी आंखें बंद करके आइडिया कंपनी पे विश्वास कर ले कि हाँ सर आपके प्रॉफिट इतने हैं, ठीक है जी हमने मान लिया? नहीं, ऐसे नहीं मान सकते, क्योंकि क्योंकि ये प्रोफेशनल है, यहां हर एक टर्म को चेक करना पड़ता है बेटा, समझ पा रहे हैं ना। तो प्रॉब्लम क्या है, जियो कंपनी को आइडिया कंपनी पर विश्वास नहीं है, जियो कंपनी आइडिया कंपनी के जो ये प्रॉफिट्स इनको चेक करना चाहती है कि इन प्रॉफिट्स में क्या क्या आइटम्स इसने इंक्लूड किए हैं, ये चेक करना चाहती है जियो कंपनी, ठीक है ना। अब जियो, समझ पा रहे बेटा, कंसेप्ट को सुनिएगा ध्यान से। मेरी प्रॉब्लम ये आ रही है कि जियो कंपनी ने और आइडिया कंपनी ने डिसाइड कर लिया कि 66,000 रुपीज गुडविल आ गया, ओके ठीक है सर आ गया, लेकिन ये 66,000 प्रॉफिट किसके बेस आया? इन प्रॉफिट्स के बेस पे। तो मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि ये 100% एक्यूरेट है, इस बात की क्या गारंटी है? आइडिया कंपनी ने ये जो फिगर है वो एक्यूरेट बताई है, एक्यूरेट तो बताई है, चलो ठीक है, लेकिन जियो कंपनी ये भी तो चेक करे ना कि ये 50,000 रुपीज प्रॉफिट या 30,000 या 19,000 रुपीज प्रॉफिट से जो प्रॉफिट ये एवरेज निकाल रहे हैं 33,000, क्या वो प्रॉफिट जियो कंपनी को भी होंगे? ठीक है, थोड़ा सा एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं, ध्यान से सुनिएगा। आइडिया कंपनी का ओनर चला गया भाई बाहर घूमने के लिए, शाम को पार्क में घूम रहा है, ध्यान से सुनिएगा। आइडिया कंपनी का ओनर 31 मार्च या फिर ऐसे बोल दूं कि 1 जनवरी को 2018 को वो पार्क में घूमने के लिए गया था, ठीक है, और पार्क में घूमता घूमता उसने देखा आइडिया कंपनी के जो ओनर है उसने कि भाई 2 लाख रुपीज का एक बंडल पड़ा है, 2 लाख रुपए की गड्डी है गिरी हुई है, कोई उसका ओनर नहीं है। तो इस कंपनी के मालिक ने क्या किया, वो 2 लाख रुपीज उठाए, वहां पता किया भाई कुछ किसी के नहीं है, वो क्या किया, वो घर ले आया, ठीक है। अब आइडिया कंपनी का जो ओनर है वो 2 लाख रुपए उसके पास आ गए, ठीक है। तो देखो इसकी ये आके क्या करता है, अकाउंट्स में बोल देता है कि सर मेरे को 2 लाख रुपीज की इनकम जनरेट हुई भी है, भाई इनकम आ गई, पैसा आया जेब में, इनकम तो है, ठीक है, 2 लाख रुपीज वो लेके आ गया। कब की बात करें, 2018 की बात करें, तो 2018 की इनकम में 2 लाख रुपीज इन्वॉल्व हैं, एग्जाम्पल समझिएगा बेटा ध्यान से, ठीक है। तो इस प्रॉफिट में भी इंक्लूड है 2 लाख, यहां अमाउंट मैंने छोटी ले रखी है, बड़ी ले लेते हैं कि मान लो 19 लाख रुपीज हो, 2 लाख रुपीज से ज्यादा अमाउंट, ठीक है। तो 2 लाख रुपीज इसकी इनकम में इंक्लूड है, क्या वो 2 लाख रुपीज की इनकम इस जियो कंपनी के ओनर को भी होगी? आपको लगता है कि भाई जियो कंपनी का ओनर पार्क में घूमने के लिए जाए, हाँ चलो ठीक है जाएगा, तो ये जरूरी नहीं है कि वहां 2 लाख रुपीज का जो पैकेट है गड्डी है वो पड़ी हुई इसको मिले, एक पक्का है क्या मिलेगी? कि जो इनकम इसको हुई है वो इनकम इसको भी हो, ऐसा आप मानते हैं क्या? अमित कर रहा है, महेश कर रहा है, हाँ बिल्कुल बेटा, नहीं मानते, चलो ठीक है। कहने का मतलब है ये जियो कंपनी का ओनर जो है वो ये चेक करना चाहता है कि ये जो प्रॉफिट्स हैं क्या वो एक्यूरेट हैं, ठीक है ना। तो ये इसके अंदर अगर कोई ऐसी इनकम इंक्लूड है जो इसको नहीं होगी, ध्यान से सुनिएगा, कि जियो कंपनी का ओनर ये चेक करना चाहता है कि आइडिया कंपनी को जो प्रॉफिट हुए हैं क्या वो प्रॉफिट इसको होंगे, ठीक है। इसलिए यहां इसको जो 2 लाख रुपीज जो गड्डी मिली थी वो इनकम इसको नहीं होगी, तो क्या जियो कंपनी जब ये प्रॉफिट चेक करे तो इस 2018 के प्रॉफिट में से घटा दें,
ऐसे बोल दूं बेटा, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। बिल्कुल, अब मैं आता हूं कैलकुलेशन पे कि अगर अब नॉर्मल इनकम, क्या अब नॉर्मल इनकम वो इनकम होती है बेटा जो हमारी ऑपरेशन की इनकम से अलग होती है, जो रूटीन की इनकम से अलग होती है, जो हमारे बिजनेस की इनकम से अलग होती है, उसको हम अब नॉर्मल इनकम बोलते हैं बेटा। ठीक है, अब नॉर्मल इनकम जो है वो यहां इंक्लूड है 2018 के प्रॉफिट में, और मेरे को पता भी जियो कंपनी को ये प्रॉफिट नहीं होगा, तो मेरे को इस प्रॉफिट में से ये क्या कर देना चाहिए, लेस कर देना चाहिए ना, घटा देना चाहिए। काफी सारे बच्चों को यहां आके डाउट होता है कि सर इनकम को तो ऐड करते हैं आप, लेस कर रहे हो। सोचने वाली बात है बेटा, काफी सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि सर इनकम को तो ऐड करते हैं आप, इसको लेस कर रहे हो। बेटा मैं इसलिए लेस कर रहा हूं क्योंकि यहां जो गुडविल कैलकुलेट करनी है ना, वो यहां के इस बिजनेस की करनी है, और बिजनेस में कई बार अब नॉर्मल इनकम या ऐसी इनकम जो हमारी बिजनेस की नहीं है वो इंक्लूड हो जाती है, तो मेरे को उस इनकम को क्या कर देना है बेटा, लेस कर देना है। इसका दूसरा पॉइंट अगर मैं समझूं, जब अबनॉर्मल इनकम हो सकती है तो क्या अबनॉर्मल एक्सपेंस नहीं हो सकते? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि 2017 में एक्सपेंस पे किया आइडिया कंपनी ने, ठीक है, आइडिया कंपनी ने कोई एक्सपेंस पे किया या आइडिया कंपनी को कोई लॉस होगा? ऐसा करता हूं कि आइडिया कंपनी का जो मैनेजर है वो कोई कैजुअल इनकम चाहता है, मतलब सट्टा खेलना या जुआ खेलना, ऐसा मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि आइडिया कंपनी के जो ओनर हैं उसने कैजुअल इनकम अर्न करने के लिए एक सट्टा खेल लिया, ठीक है, और उसमें वो हार जाता है तो इसको लॉस होगा ना। तो जरूरी नहीं है कि इस कंपनी का ओनर भी ऐसी कैजुअल इनकम कमाने के लिए कोई ऐसा अनलीगल वर्क करे, ऐसा अनलीगल इनकम अर्न करे, जरूरी तो नहीं है ना। तो यहां ये क्या कर रहा है कि मेरा लॉस हो गया था सर, और वो लॉस इसने यहां एडजस्ट कर रखा है, तो वो लॉस इसको तो नहीं होगा ना जियो कंपनी को। तो अब नॉर्मल एक्सपेंस अगर है तो बेटा उसको हमें क्या करना है, जोड़ देना है। दो बातें मैंने बताई बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है ये, ध्यान से देखिएगा कि अब नॉर्मल इनकम इंक्लूड है किसी भी ईयर के प्रॉफिट में तो वो मेरे को बेटा लेस कर देनी है, और अब नॉर्मल लॉस को क्या कर देना है बेटा, अब नॉर्मल एक्सपेंस को क्या कर देना है, बच्चे ऐड कर देना है। यहां तक एग्री है बेटा? चलो तो एक एग्जाम्पल मैं इसका लेता हूं, इसको मैं एक प्रैक्टिकली क्वेश्चन इसका मैं करवा रहा हूं, फिर हम इसका नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है। हाँ जी, देखिएगा ध्यान से, बिल्कुल सिंपल मैं आपको जो स्टेटमेंट बता रहा हूं स्टेटमेंट को सुन लो बेटा, आपको समझ में आ जाएगा। हाँ जी, ए बी एंड सी आर पार्टनर इन ए फर्म, यहां हम पार्टनरशिप का क्वेश्चन कर रहे हैं तो पार्टनरशिप का एक फर्म का ही एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि ए बी सी आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 1:1:1। ओके ठीक है, ए बी सी फर्म्स नेट प्रॉफिट लास्ट 3 ईयर्स, इनकी एक फर्म है और उस फर्म को प्रीवियस 3 ईयर्स में कुछ प्रॉफिट हुए, 3 ईयर्स इसने दे दिया बेटा, 3 सालों के प्रॉफिट इसने दे रखे हैं। एक तो ये कह रहा है कि सर मेरे पास प्रॉफिट गिवन है 2014 के, और कह रहा है कि 2014 में प्रॉफिट हुआ 40,000,
ओके 2015 में प्रॉफिट हुआ बेटा 46,000। 2016 में प्रॉफिट हुआ बेटा 52,000। ये करा है कि प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट हमें गिवन है जी, 3 सालों के प्रॉफिट हमें गिवन है। ठीक है बेटा, अब चेक करते हैं। इसने कुछ एडजस्टमेंट दी। जब प्रॉफिट को चेक किया गया तो हमने पाया कि इन 2014 मतलब इसकी बात करें बेटा, इस साल की बात कराइए, 2014 अबनॉर्मल इनकम इंक्लूडेड ₹5,000 कि 2014 में ये जो प्रॉफिट कैलकुलेट किया, इस प्रॉफिट में बेटा ₹5,000 एक अबनॉर्मल इनकम इंक्लूड हो चुकी है। ₹5,000 इसमें अबनॉर्मल इनकम के ऐड हो चुके हैं। तो मेरे को क्या करना चाहिए बेटा, बताइए आप मेरे को क्या करना चाहिए? हमारे बिजनेस की इनकम रेगुलर इनकम नहीं है वो, क्योंकि जैसे बोला कि ₹5,000 इसको कहीं मिल गए गिरे हुए, तो वो इसमें इंक्लूड है। अब आ रहा समझ में? तो मेरे को क्या करना चाहिए? ऐड करना चाहिए, लेस करना चाहिए, क्या करना चाहिए? गुडविल कैलकुलेट करते टाइम मेरे को बेटा उसको लेस कर देने चाहिए। मैंने बताया था ना, क्या कर देना चाहिए? लेस। ओके, आगे चेक करता हूं। इसने टूथ कुछ बोला, ये कह रहा है कि इन 2015 अबनॉर्मल लॉस ₹6,000। कह रहा कि 2015 के अंदर जी ₹6,000 का एक अबनॉर्मल लॉस हो गया था। अबनॉर्मल लॉस का मतलब वो लॉस रेगुलर नहीं है, या वो लॉस हमारे ऑपरेशन का नहीं है, नॉन ऑपरेशन का है, तो जरूरी नहीं है कि वो अब परचेजर को भी हो। तो मैंने क्या बताया था, क्या कर देना इसको बेटा? एट। ठीक है, और अब बोल रहा आगे कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑन 2 ईयर परचेस्ड। करें कि आप एवरेज प्रॉफिट के अकॉर्डिंग गुडविल कैलकुलेट करो। ओके, और करें कि मेथड कौन सा लगाना है? करें जी एवरेज प्रॉफिट, और नंबर ऑफ ईयर कितना है जी? 2। ठीक है, तो पहले देखो मैं फिर लिखता हूं कि एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने का मेथड है टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, यही है भाई। चलो गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो मेथड क्या होगा? एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अब यहां देखो नंबर ऑफ ईयर परचेज तो यहां गिवन है कि 2 ईयर परचेज, तो यहां तो 2 है ही हमारे पास, मतलब ये तो गिवन ही है क्वेश्चन के अंदर। मेरे को ये निकालना एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, चलो एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं भाई। एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं? टोटल प्रॉफिट। अब टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करो। टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करो तो यहां से ये लेस किया, क्यों किया मैंने बता दिया बेटा, 35,000 बचेगा। ये मैं ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा 52,000, और इसमें ना ही ऐड हुआ ना ही लेस हुआ, कोई भी टर्म हमें गिवन नहीं थी, तो ये एज इट इज रहेगा। तो टोटल प्रॉफिट कितना होगा बेटा, मैं चेक कर लेता हूं एक मिनट। टोटल प्रॉफिट मेरा होगा 35,000 प्लस 52,000 प्लस 52,000, यहां टोटल ये आएगा बेटा 1,39,000। मतलब आपको टोटल प्रॉफिट की वैल्यू गिवन मिल गई ना, 1,39,000।
डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर, कितने ईयर्स का है ये, 1, 2 एंड 3, थ्री डिवाइड बाय 3, तो आपका एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया भाई, 46,333। ओके, अब एवरेज प्रॉफिट की वैल्यू यहां रखूं मैं, इनटू में 2 करूं, 46,333 into 2, तो वैल्यू ऑफ गुडविल कितनी आई बेटा, 92,666। क्या आप सभी एग्री हैं इस बात से? क्या यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आया? बहुत बढ़िया बेटा महेश, बहुत बढ़िया कुलदीप पंगार, बहुत बढ़िया बेटा, सभी बच्चे काफ़ी अच्छा जवाब दे रहे हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है, ये पॉजिटिव बेटा हमारे लिए बहुत ज़्यादा। तो यहाँ तक हो गया बेटा। अब मैं इसके अंदर एक बात और इंक्लूड करता हूँ, ठीक है, और मैं उस एग्जांपल से ही करता हूँ, ध्यान से देखना। ठीक है बेटा, अबनॉर्मल लॉस, अबनॉर्मल इनकम के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया। अब मैं जो डिस्कस कर रहा हूँ वो इसी प्रॉफिट को लेके, एवरेज प्रॉफिट को लेके मैं डिस्कस कर रहा हूँ, और उसमें 2-3 इंपॉर्टेंट बात वो डाल रहा हूँ बेटा, सभी ध्यान से देखिएगा। बात कर रहे थे बेटा जियो कंपनी की, वही एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आइडिया कंपनी, जियो कंपनी, आइडिया कंपनी, जियो कंपनी ने आइडिया कंपनी को खरीद लिया, ठीक है। अब देखो, ध्यान से देखना बेटा, जियो कंपनी ने आइडिया कंपनी को जब खरीदा, ठीक है, तो जियो कंपनी की खुद की बिल्डिंग है बेटा, जियो कंपनी की बिल्डिंग वो खुद की है, और आइडिया कंपनी जब अपना बिजनेस रन कर रही थी तो आइडिया कंपनी ने बिल्डिंग जो है वो इनकी खुद की नहीं थी, वो इन्होंने रेंट पे ले रखी थी बेटा, मतलब आइडिया कंपनी रेंट पे कर रही थी उस बिल्डिंग का, जिस बिल्डिंग में वो फर्म या वो कंपनी चल रही थी, ठीक है। जियो कंपनी की खुद की बिल्डिंग है तो वो रेंट पे नहीं करना पड़ेगा, एग्री है इस बात से? एग्री है कि जियो कंपनी की बिल्डिंग खुद की है, उसको रेंट जो है, किराया है, वो पे नहीं करना, लेकिन आइडिया कंपनी के पास बिल्डिंग नहीं थी और उसको वो रेंट पे करना पड़ेगा। चलो, तो ध्यान से देखिएगा, आइडिया कंपनी रेंट पे कर रही है तो ये ऑपरेशनल है, क्योंकि भाई बिजनेस चल रहा है, उसमें बिजनेस का खर्चा, वो एक्सपेंस जियो कंपनी को पे नहीं करना पड़ेगा, आइडिया कंपनी तो पे कर रही है, लेकिन अब जियो कंपनी उस रेंट को पे नहीं करेगी, तो सीधी सी बात है बेटा, जियो कंपनी वो इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ेगा, क्यों? क्योंकि इसको रेंट पे नहीं करना। यहां मैंने क्या समझाया कि रेंट ऑपरेशनल, कि जियो कंपनी को पे नहीं करना लेकिन आइडिया कंपनी को पे करना है, तो सीधी सी बात है प्रॉफिट इंक्लूड हो गया, इंक्रीज हो गया, समझ पा रहे हैं ना? तो अगर कोई, मैं यहां समझाना चाह रहा हूं कि अगर कोई ऐसा एक्सपेंस है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, अगर कोई ऐसा एक्सपेंस है कि वो एक्सपेंस आइडिया कंपनी तो पे कर रही थी लेकिन जियो कंपनी को पे नहीं करना एड बढ़ जाएगा, तो मेरे को ये रेंट का जो भी अमाउंट है ना, वो प्रॉफिट में जोड़ देना है, जोड़ देना है, ठीक है बेटा, प्रॉफिट में जोड़ देना है। यहां एक प्रॉब्लम आएगी, वो प्रॉब्लम मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि 2016 के प्रॉफिट गिवन है, 2017 के प्रॉफिट गिवन है, 2018 के प्रॉफिट गिवन है, ठीक है। अब देखो,
20,000, 30,000 और 40,000। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये जो प्रॉफिट है ये आइडिया कंपनी की, क्योंकि अभी तक बिजनेस आइडिया कंपनी का था। 2019 में ये कंपनी किसके पास चली गई? जियो, इसके पास चली गई। ठीक है, तो आइडिया कंपनी के जो ये प्रॉफिट हैं, इन प्रॉफिट्स में से हर बार रेंट पे हो रहा था 4,000, ऐसा मैं अनुमान लगा के चलूं, 4,000 रुपये रेंट के पे करती थी आइडिया कंपनी। और ये 4,000 रुपये अब जियो कंपनी पे नहीं करेगी, क्योंकि बिल्डिंग तो खुद की, इसकी खुद की है, तो हर बार 4,000 रुपये से इसकी इनकम बढ़ जाएगी ना। ठीक है, तो बेटा मैंने 4,000 रुपये को हर बार क्या कर दिया, ऐड। एक तो ये है कि आप हर साल ऐड कर दो, ठीक है, अगर आप हर साल ऐड नहीं करते तो बेटा आप एवरेज प्रॉफिट निकाल लो। एवरेज प्रॉफिट कितना आएगा? एवरेज प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट, टोटल कितना है, 4, 3, 7 और 2, 9, 90,000 डिवाइड बाय 3, 30,000। अब ये एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया ना, इसमें से मैं लेस कर दूंगा ये 4,000। मतलब ऐसा एक्सपेंस है कि पहले ये कंपनी पे कर रही थी, अब ये कंपनी पे नहीं करेगी। ध्यान से देखिएगा, मैं एक लाइनिंग के थ्रू बता रहा हूं। यहां आइडिया कंपनी है और आज बिजनेस सेल हो गया, तो आज के बाद ये कंपनी किसकी होगी? जियो कंपनी की। यहां के बाद कंपनी किसकी होगी? जियो की। कोई ऐसा एक्सपेंस है जो यहां से यहां तक तो हो रहा था, लेकिन वो आगे नहीं होगा। आगे नहीं होगा तो बचत आएगी बेटा उस खर्चे की, खर्चा नहीं करना पड़ेगा तो इनकम बढ़ जाएगी ना, तो वो मैं एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद ऐड कर सकता हूं। यहां क्या था, ऐड करना था बेटा, सॉरी। ठीक है, कहने का मतलब आइडिया कंपनी को कोई खर्चा पे करना पड़ रहा था, लेकिन वो खर्चा जियो कंपनी पे नहीं करेगी, तो जियो कंपनी की जेब में पैसा बचेगा, एग्री है ना। तो मेरे को जियो कंपनी यहां एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद ऐड कर देना है। ठीक है, या फिर अगर ऐसा हो जाए, ध्यान से सुनिएगा, अगर ऐसा हो जाए कि अगर कोई ऐसा एक्सपेंस है जो आइडिया कंपनी को तो पे नहीं करना था, ऐसे बोल दूं कि आइडिया कंपनी का जो मालिक है वो खुद मैनेज कर रहा था, मैनेजर खुद था, लेकिन जियो कंपनी के पास मैनेजर नहीं है, इसको तो मैनेजर रखना पड़ेगा सैलरी पे, तो सैलरी पे रखना पड़ेगा, तो इसको सैलरी पे करनी पड़ेगी, सैलरी पे करनी पड़ेगी, तो इसके खर्चे बढ़ गए। मतलब ये ऐसा खर्चा हो गया जो आइडिया कंपनी तो पे नहीं कर रही थी, लेकिन जियो कंपनी को वो खर्चा पे करना है, पे करना है। तो यहाँ का तो खर्चा था ही नहीं, वो एक्सपेंस था ही नहीं, खर्चा तो आने, एक्सपेंस तो आने वाले टाइम का हुआ ना। अब एक्सपेंस आने वाले टाइम का है तो प्रॉफिट आने वाले टाइम में कम होंगे ना, क्योंकि जेब से पैसा ज़्यादा चला जाएगा। इसलिए बेटा मैं उसको क्या करूंगा, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाने के बाद मैं क्या करूंगा, उसको बेटा लेस करूंगा। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट ऐड, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद ऐड या लेस करूंगा ऐसे एक्सपेंसेस को या ऐसे इनकम को जो अब तक हो रहे थे और आगे नहीं होंगे, या अब तक इनकम हो रही थी आगे हो जाएगी नहीं हो जाएगी, यह आपके कंसेप्ट के ऊपर डिपेंड रहेगा। ठीक है, तो ये आज का हमारा टॉपिक था। आज भी काफ़ी लेंथी हो गया ये, आज भी हम ये दोनों टॉपिक को डिस्कस नहीं कर पाए। एवरेज प्रॉफिट को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, सिंपल में, वेटेड में। सिंपल का पहले मैंने आपको कैलकुलेशन बताया कि कैसे कैलकुलेट करते हैं, फिर मैंने बताया कि अबनॉर्मल इनकम और अबनॉर्मल एक्सपेंस इंक्लूड है तो क्या होता है। फिर बेटा मैंने आपको बताया कि ऐसे एक्सपेंस हैं जो परचेजिंग के बाद के हैं, या ऐसी इनकम जो परचेजिंग होने जाने के बाद के हैं, तो उनको कैसे एडजस्ट करते हैं, ये मैंने आज आपको बताया है। तो आज हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट नहीं कर पाए, तो हम कल डिस्कस करेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट के बारे में। अब टाइम भी ज़्यादा हो गया है, तो किसी बच्चे का यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन है, कुछ पूछना है तो वो पूछ सकता बेटा। और यहाँ तक का पॉइंट आपको समझ में आया, बताइए जल्दी से।
कुलदीप पंगाल लिस्ट कर देंगे। हाँ बेटा, वो कंसेप्ट के हिसाब से देखना पड़ेगा, एक्सपेंस है या इनकम है। एक्सपेंस है तो एक्सपेंस के हिसाब से, इनकम है तो इनकम के हिसाब से। आइडियालिस्ट जहाँ कंसेप्ट क्लियर होगा ना बेटा आपका, आपको पता होगा भाई ये इनकम है, इससे हमारे आने वाले टाइम के प्रॉफिट बढ़ेंगे तो जोड़ेंगे, आने वाले टाइम के प्रॉफिट कम हो जाएंगे तो लेस करेंगे। ये कंसेप्ट के ऊपर डिपेंड होता है, इसका रेटिफिकेशन ना करें, इसका अपने माइंड में क्रिएट करके माइंड में सोचें कि हमारा बिजनेस है, हम अकाउंटेंट हैं, तो इस प्रॉफिट का, इस इनकम का, ये नॉन ऑपरेशन का, इसका इफेक्ट कहाँ जाएगा, क्यों जाएगा, ठीक है, एडलेस क्यों करेंगे। बताया था ना मैंने कि एक कंपनी को तो प्रॉफिट हो जाता है, दूसरी कंपनी को ज़रूरी नहीं कि वो प्रॉफिट हो, तो इन सभी बातों का बेटा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मंजू, यस सर, वेरी गुड बेटा। कोमल, ऑल क्लियर सर, वेरी गुड कोमल। राहुल, वेरी गुड। ईश्वर सिंह बोल रहे हैं कि रेंट को ऐड क्यों किया, हम तो गुडविल आइडिया कंपनी की कैलकुलेट कर रहे हैं। हाँ बेटा, आइडिया कंपनी की तो कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन हमने एवरेज प्रॉफिट तो देखना है ना, एवरेज प्रॉफिट तो हमें चेक करना है कि एक ऐसी इनकम और ऐसा एक्सपेंस जो एक टाइम तक हो रहा था अब नहीं होगा आने वाले टाइम में। एक मैं एग्जांपल लेता हूँ, एक एग्जांपल देखना, एक कंपनी ने बेटा इंश्योरेंस करवा रखा है। मैं एक बार आपको दिखाता हूँ, एक मिनट रुकिएगा, अभी आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा बेटा। देखो, इस कंपनी ने बेटा इंश्योरेंस करवा रखा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, इस कंपनी ने इंश्योरेंस करवा रखा है, तो इंश्योरेंस की जो इंस्टॉलमेंट है वो हर साल जाएगी बेटा। अंजू, यहां क्लियर है क्या कि इंस्टॉलमेंट हर साल जाएगी, जल्दी बताएं बेटा, ठीक है। अब ये कह रहा है कि यहां जो ये 40,000 प्रॉफिट है ना, इस 40,000 प्रॉफिट में एक्सक्लूडिंग है, मैंने बोला ना कंसेप्ट पे जाओ, एक्सक्लूडिंग का मतलब यहां जो किस्त पे की गई उसको एडजस्ट नहीं किया गया, मतलब एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करते टाइम यहां का जो रेंट है वो एडजस्ट नहीं हुआ, या यहां की जो इंस्टॉलमेंट है इंश्योरेंस की वो एडजस्ट नहीं हुई, तो हमें उसको एडजस्ट करना है। यहां आपको जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है उसको रीड करना पड़ेगा बेटा केयरफुली, ठीक है बेटा, समझ पा रहे हैं ना कि यहां इंश्योरेंस उसको पे करना था, और अब वो जियो कंपनी के पास चली गई कंपनी, और अब भी उस कंपनी का इंश्योरेंस है, मतलब आगे की जो इंस्टॉलमेंट है वो पे कौन करेगी, जियो कंपनी पे करेगी, ठीक है ना, मतलब जो खर्चा यहां था वो खर्चा यहां भी है, लेकिन आइडिया कंपनी ने यहां 40,000 के अंदर उस एक्सपेंस को एडजस्ट नहीं कर रखा, ठीक है। मैं 4,000 रुपये ऐसे बोल लेता हूं, 4,000 रुपये इंस्टॉलमेंट के थे जो इंश्योरेंस के पे करने थे, लेकिन एडजस्टेड नहीं है, तो वो इसका एक्सपेंस तो है ना, इस साल का एक्सपेंस है, तो ये 40,000 प्रॉफिट नहीं बचेगा, कितना बचेगा, 36,000 बचेगा, क्लियर है, या कितना बचेगा 36, क्यों, क्योंकि नोट एडजस्टेड है, तो वो यहां जियो कंपनी को भी पे करना है बेटा, यहां 4,000 रुपये उसके इनकम में से भी जाने हैं, ये प्रॉफिट फेयर नहीं है, ये तो मेरे को चेक करना है, और इसको मैं क्या बोलता हूं बेटा, इसको ऐड या लेस करने को अबनॉर्मल इनकम या अबनॉर्मल जो एक्सपेंडिचर है बेटा, इसको मैं बोलता हूं कैलकुलेशन ऑफ फ्यूचर मेंटेनेंस प्रॉफिट। कल वेटेड एवरेज प्रॉफिट बताऊंगा, उसमें इसकी अहमियत बताऊंगा, इसको हम बोलते हैं ना एडलेस करते हैं, इसको बोलते हैं बेटा, इस वर्किंग नोट का नाम दे दिया गया, क्या नाम दे दिया गया, कैलकुलेशन ऑफ फ्यूचर मेंटेनेंस प्रॉफिट ऑन द बेस ऑफ ऑपरेशन फ्रॉम बिजनेस। इसके बारे में कल डिटेल से डिस्कस करूंगा, किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, जैसे अभी अंजू की प्रॉब्लम आई थी, अंजू इस पर, तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, वो आप मेरे से पर्सनली कॉल करके पूछ लें या फिर कमेंट करके पूछ लें, किसी भी वजह से आपका कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए,
किसी भी टाइम आप कॉल कर सकते हैं, किसी भी टाइम आप व्हाट्सअप कर सकते हैं बेटा, किसी भी टाइम यहाँ कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। विपिन लांबा क्लियर है जी, वेरी गुड बेटा। चलो तो बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स रहा आज बच्चों का, और हर दिन ऐसे ही एनर्जी के साथ बच्चे जुड़े रहते हैं, इसलिए बेटा थैंक यू वेरी मच। और एक अच्छे लेवल की स्टडी आप करें, एक अच्छे लेवल की पोस्ट, एक अच्छे लेवल का कोर्स आप करें, ठीक है। तो हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत आशीर्वाद, और आप ऐसे ही बेटा काम करते रहें, ऐसी हमारी दुआ है। तो आज की क्लास हम यहाँ ऑफ करते हैं बेटा। कल इवनिंग, कल संडे है तो कल हमारी क्लास ऑफ रहेगी। मंडे को बेटा मैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट जो है उसके बारे में डिस्कशन करूँगा। चलो ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच।